गांधीनगर एनडीआरएफ टीम आई हुई है यहाँ पर। जैसे हमें कलेक्टर महोदय के द्वारा पता चला था कि 8 लोगों के यहाँ डूबने की संभावना है, 8 लोगों के लिए तो निकाल दिया गया है, लेकिन गांव के वालों की जानकारी के अनुसार एक और मिसिंग है, जिसके लिए अभी हम अपनी तरफ से डीप डाइवर नीचे पानी में उतार रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं कि वो है या नहीं है। प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है, साथ में हमारी बोट OBM और लाइफ जैकेट के साथ रिस्क्यूअर पानी में उतरे हुए हैं। कितनी टीमें अभी आपके यहाँ पर लगी हुई हैं? यहाँ अभी हमारी NDRF की एक टीम, SDRF की एक टीम काम कर रही है। अभी जैसे प्रशासन ने हमें बताया है कि यहाँ मूर्ति विसर्जन का काम चल रहा था, जिसके कारण गांव वाले यहाँ पर नहा रहे थे और नहाने के कारण अचानक पानी में चले गए हैं। गांधीनगर ज़िले के दहगाम तालुका में वासना सोपटी गांव है। वासना सोपटी गांव के तकरीबन 9 युवान तकरीबन दोपहर को 2 बजे यहां पे जो मेसो नदी का चेकडैम बना हुआ है, ये मेसो नदी के चेकडैम में नहाने आए थे। वहां पे जो एक ही मोहल्ले के युवान बंदे थे और सभी एक ही परिवार के आसपास के लोग थे, ये 2 बजे तकरीबन यहाँ पे नहा रहे थे। उस दरमियान गणेश विसर्जन की मूर्ति भी आ गई थी, लेकिन गणेश विसर्जन किया नहीं था, गणेश विसर्जन की पूजा कर रहे थे। उस दरमियान ये 9 बंदे में से एक बंदा नहाते नहाते यहाँ पे डूब गया था। वो बंदे का नाम है जसपाल, जसपाल उर्फे मुन्ना करके एक बंदा यहाँ पे डूबने लगा, तो उसको देख के दूसरे बंदे भी जो नहा रहे थे वो युवान यहाँ पे उसको बचाने के लिए गए। लेकिन हमारी जितनी माहिती है, अभी तक 8 युवान को हमने रेस्क्यू किया है और सभी को दहगाम CHC में भेज दिया है। जो 9वां बंदा था उसका नाम था कृष्णा चौहान ने बताया है कि सर 8 ही बंदे नहाने पड़े थे और 9वां मैं था, तो ये मैं 5 मिनट के पहले ही यहाँ पे नहाने के बाद यहाँ पे खड़े रह के देख रहा था। तो ये तकरीबन पूरी वारदात में हमने अभी तक 8 बॉडी रेस्क्यू की है। अभी SDRP और NDRF की टीम भी आ गई है, वो भी अभी सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया है। और हमारी माहिती मुताबिक और आई विटनेस जो कृष्णा चौहान है वो बता रहा है, तो 8 ही बंदे लापता है और 8 की डेड बॉडी हमने रिकवर कर ली है। फिर भी हम रीअश्योर कर रहे हैं यहाँ पे गांव में भी, सरपंच के थ्रू हम माहिती इकट्ठा कर रहे हैं कि कहीं कोई परिवार का युवान या फिर कोई आदमी मिसिंग तो नहीं है ना। तो अभी हमारी तक माहिती के दौरान 8 ही डेड बॉडी पाई गई और 8 ही बंदे मिस थे, और फिर भी यहाँ पे SDRF और NDRF की टीम कार्यरत है और यहाँ पे लोकल तरवैया भी अभी सर्च कर रहे हैं, तो रीअश्योर हो जाए कि कोई दूसरे यहाँ पे मिसिंग तो है नहीं है। ये जो 8 युवान नहाने पड़े थे वो सभी की एज तकरीबन 20 से लेके 25 की उम्र होगी, उसमें से 2-3 जो युवान थे वो 12वीं स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, 1-2 ये ऐसे लड़के थे जिसकी उम्र तकरीबन 17 से 18 हो सकती है। अभी हम उसका जो है एश्योर करवा रहे हैं। Multimodal transport logistics specialist in Quebec. For our clients, a 140,000 square foot state-of-the-art warehouse for storage and distribution. Our promise? To take charge of all types of cargo and deliver it fast at convert in the world. Badi se badi khabar. Crime se lekar rajneeti tak kis neta ne 5 saal mein kya kaam karaya? मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका।